हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बियरिंग सफिक्स कोड बियरिंग नंबर के साथ लास्ट में कुछ कोड लिखे होते हैं। इन कोड का क्या मतलब होता है आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले है आरएस। आरएस का मतलब है रबड़ सील ऑन वन साइड, यानी बियरिंग के एक तरफ पे रबड़ की सील लगी होगी और दूसरी तरफ से बियरिंग बिल्कुल ओपन होगा। एक तरफ से रबड़ सील इसको सील करने का काम करेगी। इसके बाद है टू आर एस। टू आर एस का मतलब है रबड़ सील ऑन बोथ साइड, यानी बियरिंग के दोनों तरफ रबड़ की एक सील लगी होगी जो बियरिंग को दोनों साइड से सील करने का काम करेगी। इस सील से बियरिंग में बाहर से कोई डस्ट का पार्टिकल बियरिंग के अंदर यानी रोटेटिंग एलिमेंट्स में नहीं जाता और बियरिंग के अंदर जो ग्रीस होती है उसको भी ये सील बाहर आने से रोकने का काम करती है। इसके बाद है जेड। जेड का मतलब है मेटल सील ऑन वन साइड या फिर मेटल शील्ड ऑन वन साइड, यानी बियरिंग के एक तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बियरिंग को एक तरफ से सील करने का काम करती है। इसके बाद है डबल जेड या फिर टू जेड। इसका मतलब है मेटल सील ऑन बोथ साइड या फिर मेटल शील्ड ऑन बोथ साइड, यानी बियरिंग के दोनों तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बियरिंग को दोनों तरफ से सील करने का काम करती है। डबल जेड वाले बियरिंग वहां लगाए जाते हैं जहां पे बहुत ही डस्टी एनवायरनमेंट होता है और ये शील्ड बियरिंग को बाहर के डस्टी पार्टिकल से प्रिवेंट करती है। इसके बाद है के। के का मतलब है बियरिंग विद टेपर बोर, यानी बियरिंग का जो जो बोर होता है ये एक तरफ से टेपर पोजिशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बियरिंग का बोर 30 है तो ये दूसरी तरफ से 29.5 होगा, यानी इस तरफ से ये टेपर में होगा। तो के का मतलब होता है बियरिंग विद टेपर बोर। इसके बाद है एम। एम का मतलब होता है बियरिंग विद ब्रास केज। बियरिंग में मोस्टली स्टील केज का यूज किया जाता है, ये जो है इसको बोलते हैं केज। और जहां पे बियरिंग नंबर के साथ एम लिखा हो तो आप उससे ये समझ जाना कि ये जो बियरिंग है इसकी केज ब्रास मटेरियल की है। इसके बाद है एच टी। एच टी का मतलब है बियरिंग विद हाई टेम्परेचर ग्रीस, यानी ये बियरिंग पहले से ही हाई टेम्परेचर ग्रीस के साथ लुब्रिकेट होके आते हैं। इन बियरिंग का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे आरपीएम बहुत ज्यादा हो या फिर हमारी मशीन ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रही है जहां पे टेम्परेचर पहले से ही बहुत हाई है। ये जो हाई टेम्परेचर ग्रीस होती है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी अपना काम करती रहती है। इसके बाद है ईसीपी और TN9। इसका मतलब होता है बियरिंग विद पॉलीमाइड प्लास्टिक केज, यानी ये वाले जो बियरिंग होते हैं इनकी जो केज होती है, ये वाली जो केज होती है ये या फिर प्लास्टिक की होती है या फिर नाइलोन की होती है। तो इन कोड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बियरिंग की केज है ये या फिर नाइलोन की है या फिर पॉलीमाइड प्लास्टिक की है। इसके बाद है LU। LU का मतलब होता है रबड़ सील ऑन वन साइड। RS और LU इन दोनों कोड का मतलब सेम होता है, तो LU का मतलब है कि बियरिंग के एक तरफ रबड़ की सील होगी। इसके बाद है LLU। इसका मतलब है रबड़ सील ऑन बोथ साइड, यानी बियरिंग के दोनों तरफ रबड़ की एक सील लगी होगी। 2RS और LLU का मतलब सेम होता है, किसी किसी बियरिंग के ऊपर LLU लिखा होता है और किसी बियरिंग के ऊपर 2RS लिखा होता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद है C3। C3 का मतलब होता है बियरिंग की इंटरनल क्लियरेंस। बियरिंग की ये जो बॉल होती हैं इसके आउटर रेस और इसके इनर रेस में जो क्लियरेंस होती है उसको C3 से इंडिकेट किया जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे बियरिंग के क्लियरेंस के बारे में। तो ये थे बियरिंग के कुछ सफिक्स कोड, आप इनको अच्छे से याद कर लें ताकि अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको अच्छे से बता सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।